माय गॉड, लगता है आसमान साफ हो गया। वैसे तुम दोनों हंस क्यों रहे थे? सम्राट, ये हम बहनों का मामला है, तुम इससे दूरी रहो, समझे? नूपुर, मुझे पहले बता देती कि तुम गुंजन को इतना मिस करोगी, मैं दहेज की बात कर लेता। सुहानी, ये लो। थैंक यू। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। सुहानी, मैं जानता हूं कि एक कप कॉफी या एक ग्रीन टी से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। तो ठीक है, तुम्हें एक हफ्ते तक मेरा स्लेव बन के रहना होगा। मैं जो कहूंगी सब करना होगा, तभी माफ करूंगी। कूल, नो प्रॉब्लम। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्रेट, तो तुम्हें तुम्हारा पहला इंस्ट्रक्शन कल सुबह मिल जाएगा। हाँ, and I think हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। क्या? You're right. चलो। अरे वहां से नहीं, पैक्टो से चलो। लाइन ऑफ फायर से नहीं जाना। चश्मेश, लगता है हमें चलना चाहिए। न्यूली वेड कपल को अपना नया घर एंजॉय करने दो। जाओ सम्राट। जा रहा। तो एंजॉय करें मयंक। अरे चश्मेश, तुम मेरे होते हुए किसके ख्याल में खोई? ती, उस दिन दी ने तुम्हारी और मेरी सारी बातें सुन ली थी कि पाऊजी ने शादी के लिए मजबूरी में हाँ की थी। ती को बहुत बुरा लगा सम्राट, पर तुम तो जानते हो ना कि मेरा ती को जानबूझकर हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तीने हमें बात करते हुए सुन लिया, और पता है सम्राट, उन्हें बहुत बुरा लगा। तो क्या हुआ चश्मेश? नूपुर को बुरा लगा और उसने तुमसे बात करके सब कुछ क्लियर कर लिया। हैप्पी एंडिंग। पर सम्राट, पर क्या चश्मेश, नूपुर और तुम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। उसकी अभी शादी हुई है, वो तुमसे पूरे 24 घंटे दूर रही है। तुम दोनों दूर रहोगे और एक दूसरे को मिस तो करोगे। अब मिस करोगे तो लड़ाई तो होगी ना। मैं जानती हूं सम्राट, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सैड फेस बनाने से तुम्हारा और भी टेंशन मिलता है तो इसमें बुरा ही क्या है। बुरा कुछ भी नहीं है चश्मेश, तुम कभी कोई काम बुरा कर ही नहीं सकते चश्मेश। और अपने चश्मेश को और अटेंशन देने के लिए
मेरे पास एक आइडिया और भी है। क्या? एक सुपर डेट। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ चलूंगी। Really? एक बार और गाना चश्मा गाना। हाँ चलूंगी। प्लीज सिमरन। ओके क्या हुआ? कुछ बोलोगे? क्या बोलूं? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा तुम और गुंजन को सीरियस बात। देखो मयंक, वो मेरी और मेरी बहन के बीच की बात है, समझे? तो ठीक है, बाकी की बातें भी इस टेबल और कुर्सी से ही कर लेना, क्योंकि और कोई अपना तो तुम्हारे इस कमरे में है नहीं। इस कमरे में क्या, बाहर भी मेरा कोई अपना नहीं है। नुपुर तुम ये क्या बोल रही हो? देखो मयंक, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, और अगर मैं तुम्हें समझाने बैठू ना तो इस टेबल और इस कुर्सी से ही बात कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ, पर राइट नाउ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, बोलने की क्या जरूरत है? क्या कर रही हूँ मैं? सब मेरे गुस्से की वजह से हो रहा है। कुंजन को बुरा कहा, मयंक से लड़ाई, और क्या जरूरत थी वो सवाल पूछने की? पर गुंजन ने ये भी तो नहीं कहा कि मैं सही हूं या पाउजी। भाई गॉड, क्या करूं मैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। रूम सर्विस। तुम फिर आ गए, क्यों आए हो? क्योंकि वो टेबल तुम्हें मनाएगा नहीं, और वो कुर्सी तुम्हारे लिए मीठी बेल लाएगी नहीं। अच्छा वो एक्चुअली क्या है ना, बचपन में मैंने सीखा था कि जहर जहर को काटता है, इसीलिए तुम्हारे लिए तीखा। तीखा? अब क्या खाऊंगा मैं? अरे क्या? मैं जहर हूँ? ये हमारा नया घर है। हाँ तो क्या? नुपुर अरे मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, इसीलिए लड़ रही हो, और मैं ये भी बात जानता हूँ कि तुम कितना भी चिल्ला लो, मार लो, एंड में आओगी मेरे पास ही, इसीलिए तब तक मैं वेट कर लूंगा। बाकी इस टेबल और कुर्सी की किस्मत। तुमने अभी आज को उसका फर्स्ट टास्क बता दिया ना? हाँ दिया, बता तो दिया, पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है? No way, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखना कि उसका तुमसे माफी पाना कितना टफ होने वाला है। Just wait and watch. Hey dude. Good morning. Good morning. I hope कि तुम तुम्हारे नए घर में comfortable. हाँ सम्राट. Thanks a ton. अरे सम्राट. Excuse me guys. मैं भी अभी आया. पता है दी, आज कितना अजीब लग रहा था। मैं तुम्हें उठाने के लिए मुड़ी थी और तुम थी ही नहीं। मेरा इतना मन कर रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैं भूल गई। तूने ब्रेकफास्ट बनाया गुंजन? वेरी गुड। हाँ वो बाऊजी को पराठे खाने का बहुत मन था।
इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं अब गुंजन, थैंकफुली मयंक ने मुझे उठा दिया था बेड ठीक के साथ। By God, मैं कॉलेज टाइम पे पहुंच गई लेकिन क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ। बाय। दी, अब मैं भी उस तरफ चल रही हूँ, साथ चले। चलना। अब एक। हेलो। हाँ समना। लाइब्रेरी में आती हूँ। दीप, वो सम्राट मुझे लाइब्रेरी में बुला रहा है। तो ठीक है, तू जा। वैसे भी मेरे क्लास का टाइम हो गया है। बाय दी। बाय। नुपुर, हियर। तू? तुम तो गुंजन के साथ। वो एक तरीका था चश्मिश को यहाँ से भगाने का। तुम्हें पता है, तुम दोनों बहनों को अलग करना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। पर सम्राट, हर पर का जवाब मिलेगा, बस चलती जाओ। देखो नुपुर, मैंने चश्मिश के लिए गिफ्ट खरीदा है और उसे सरप्राइज देने से पहले मैं इसे नुपुर क्वालिटी टेस्ट से पास कराना चाहता हूँ। अब चश्मिश के मामले में तुमसे अच्छी एडवाइस और कौन दे सकता है? बहुत अच्छी बात है सम्राट, लेकिन अब वो गिफ्ट है क्या? नो वे, वो तुम्हें देखने पर ही पता लगेगा। नो वे, सी यू लेटर। सरप्राइज गिफ्ट। गाइस, कल रात मैंने चश्मिश को डेट के लिए पूछा और वो मान गई। क्यों, इसमें कोई शक था क्या? वेल, जहां तक सम्राट की बात है, मुझे पूरा यकीन था कि वो मान जाएगी, लेकिन जहां चश्मिश की बात आती है, वहां हाँ या ना बोला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लान क्या है डूड? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, डेटिंग जोन में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है। आपकी क्या बात है सर, आप तो मास्टर हैं। आपका चार्म तो ऐसा है कि लड़की सीधा शादी कर बैठे। मुझे अपने घोड़े इतनी जल्दी नहीं दौड़ाने। डेट तक ठीक। डेट आज रात को। आज मैं चश्मिश को एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा और जब वो पहनेगी तो सपने से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। पहने की सपने से भी ज्यादा? हे भगवान, अगर सबके सामने सम्राट कुंजन को किस कर सकता है तो मैं ये सब होने नहीं दूंगी। और वो गिफ्ट इस वक्त गर्ल्स लॉकर रूम में चश्मिश का इंतजार कर रहा है। लॉकर रूम। मेरी बहन को ये पहनाएगा? ये रुमाल अब गंदगी साफ करने में काम आएगा। ये मेरे लिए, ये तो बहुत सुंदर है, पर सम्राट ये तो बहुत महंगा होगा ना? चश्मिश नहीं, महंगा है
पर उतना नहीं जितना दिख रहा है। समरा प्लीज तुम यहां से जाओ, ये गर्ल्स लू है, बाहर सब लड़कियां चिल्ला रही हैं। चश्मिश चश्मिश चश्मिश, गर्ल्स को हैंडल करना सम्राट को अच्छे से आता है। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? बहुत सुंदर है लेकिन बहुत महंगा भी, और मैं ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चश्मिश, ऐसी चीजों की कीमत पहनने वाले से होती है, और मेरी गर्लफ्रेंड प्राइसलेस है, हो ना? चश्मिश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये नेकलेस तो कुछ भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आज शाम हमारी डेट पर तुम ये नेकलेस पहनो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ये नेकलेस बहुत मैच करेगा। थैंक गॉड मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, और तुम्हें नेकलेस बनाने खुद आ गया, वरना तुम्हारी ये ब्यूटीफुल स्माइल मैं मिस कर देता। पता है चश्मिश, पहले मैंने नेकलेस तुम्हारे लॉकर रूम में रखा था। अब कम ऑन चश्मिश, अब बाहर चले, वरना लोग कहेंगे कि सीधे साधे लड़के को लू में बंद करके ना जाने तुम। ओके बाय। एक बात और, थोड़ी जल्दी आना, मैं ये ब्यूटीफुल मोमेंट ऐसे वेट करते करते स्पेंड नहीं करना चाहता। बाय बाय। गुंजन, क्या मादी चीजू को ढूंढ रही हो? वो सब छोड़, तू एक बात बता, तू सम्राट के साथ आज डेट पर जा रही है क्या? हाँ। मत जा। क्यों? कुंजन, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मेरी बात सुन, ऐसे डेट वेट पर जाना ठीक नहीं है। पर दीप, तुम भी तो मयंक के साथ डेट पर जाती थी ना? कुंजन, मेरी और मयंक की बात दूसरी है, हम लोग ऐसे गिफ्ट्स नहीं देते थे। गिफ्ट? तुमने देखा भी? अच्छा है ना? तूने भी गिफ्ट देखा? हाँ दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। महंगा तो लग रहा है लेकिन काफी सुंदर है। कुंजन, तुझे क्या हो गया है? मुंबई में आकर तू सच में बहुत बदल गई है। दी, तुम कैसी बातें कर रही हो? खा मेरी कसम, तू आज वो गिफ्ट पहनकर डेट पर नहीं जाएगी। क्यों नहीं दी? सम्राट ने इतने प्यार से वो गिफ्ट मेरे लिए लिया, अगर मैं नहीं पहनूंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उस सम्राट की तो मैं दी, तो तू नहीं मानेगी? नहीं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आज वो गिफ्ट पहनकर तू डेट पर कैसे जाती है। तुम पागल हो गई हो क्या दी? मैं वो गिफ्ट जरूर पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो।